क्योंकि जल कम पड़ रहा था। कल हम लोग जाएंगे मरवा शिव मंदिर जाएंगे हम लोग, और वहाँ पर जाकर के हम लोगों को जो है पूजा करना है। क्रियांश भी एक्साइटेड है एकदम, क्रियांश फर्स्ट टाइम जा रहा है गंगा नदी किनारे। आई जा, हाँ आई जा। उठा के लिए भाग गए। और 4 बजे से लगभग हम लोगों को 2 से 2.5 घंटा लग जाएगा, क्योंकि हम लोग पैदल जा करके जो है जल चढ़ाना है। 8 से 10 किलोमीटर का रास्ता है। हम लोग अपने गांव से जो है लगता है लगभग 2.5-3 किलोमीटर चल चुके हैं। 3 किलोमीटर तो अब चलते हैं जी, और मुश्किल से 5.5 किलोमीटर है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं जी गंगा नदी के किनारे, और वहां पर जा करके जो हम लोग को जल भरना है। और जल कम पड़ रहा था, कल हम लोग जाएंगे मरवा शिव मंदिर जाएंगे हम लोग, और वहां पर जा करके हम लोगों को जो है पूजा करना है। बाकी क्रियांश भी है गोद में, इसके हाथ में जो एक बोतल दे दिया गया है। क्रियांश अपना जल खुद भरेगा। अच्छा, बहुत बढ़िया, कोल्ड ड्रिंक के बोतल में भरेगा जल अपना, ये साफ कर लेगा उसको। अच्छा बढ़िया है। तो चल रहे हैं जी, और देख सकते हैं बगीचा कितना हरा भरा है, और मौसम भी लग रहा है कि शायद हो सकता है बारिश हो जाए यहाँ पर, बस बारिश में ना फंस जाए हम लोग। क्या लीची का समय माना था यहाँ पर, मिस हो गया लीची हम लोग का। बहुत अच्छा लगता है देखने में, लेकिन खाने को थोड़े मिलता है। लीची हम लोग का थोड़े है, हम लोग का नहीं है, हम लोग का उधर नहीं है क्या? उधर है तो क्या? एक दो पेड़ है बस। अच्छा अच्छा अच्छा, इतना बड़ा लीची का पेड़ है? क्रियांश भी एक्साइटेड है एकदम, क्रियांश फर्स्ट टाइम जा रहा है गंगा नदी किनारे। आई जा, हाँ आई जा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जी मिट्टी का पूरा अंबार लगा हुआ, एक पहाड़ बन चुका है पहले ही यहाँ पर। तो बांध का डेमो आपको यहाँ मिल जाएगा। ये तो मजाक वाली बात है जी, बात ये है कि यहाँ पर बाढ़ का लक्षण जब भी आता है तो उसके लिए पहले से ही तैयारी रहता है यहाँ पर, तो मिट्टी जाके भरा जाता है वहाँ पर। वो खत्म हो गया, मिट्टी बोरा में, बोरा जो आता है उसमें मिट्टी भर भर के रखा जाता है। उसे रखा गया भी होगा अभी शायद। हाँ, तो अब खत्म हो गया ना बाढ़ का समय, जब था तब भर के रखा जाता है। हाँ। कभी भी दिक्कत हो तो पूरा वहाँ बांध के सुरक्षा के लिए तैयार रहेगा। लीची का तो अंत हो गया, और अब ऐसा लग रहा है कि आम का भी जो अंत होने ही जा रहा है, क्योंकि बगीचे में नहीं दिख रहा है बिल्कुल। जितना भी पेड़ हमने देखा किसी में एक भी आम नजर नहीं आ रहा यहाँ पर। कैसे बात करते हैं, देखिए कितना कितना आम, पूरा जूम करके पता चल रहा है, बस एक दिखा हमको, एक नहीं आपको दिख नहीं रहा, बहुत सारा आम होगा छोटा छोटा। तो हम लोग आगे जी गंगा नदी के किनारे, और क्रियांश देख सकते हैं क्या मौज कर रहा है यहाँ पर। हवा भी बह रही है बहुत एकदम ठंडी ठंडी हवा है ना, तो क्रियांश जो है मजे में है एकदम। तो अब जो है वहाँ चलते हैं गंगा नदी के किनारे, और वहाँ जा करके जो है जल भरते हैं। ओए चलना है, चलना है, चलो चलो, हाँ आ जाएंगे लेकर। तो क्रियांश जा रहा है अपने पापा के साथ, मजा आ रहा है इसको। अरे यहाँ का नजारा देख सकते हैं, काफी अच्छा है। हर बात ये तुम हाँ हाँ बोलो। पानी लगता यहाँ तक काटा है इसको। हाँ पानी यहाँ तक आई थी फिर चल गई। गंगा मैया की जय, बोलो गंगा मैया की जय। जय जय क्रियांश, जय ऊपर देख रहा है, जय पापा अभी कहता ऊपर। इधर देखिए कितना बढ़िया नजारा है। ओए होए होए, आहा।
यहाँ पर हम लोग आए हुए थे जी घूमने के लिए और गंगा जल भरने के लिए, तो गंगा जल तो भरा गया और जिया चाह रहे थे कि गंगा स्नान करे बस, क्योंकि यहाँ पर जो है बिना नहाए हुए जो है जल लेकर के नहीं जाया जाता है, तो जिया स्नान कर ली और क्रियांश भी थोड़ा देर अपना जो है घूम लिया पानी में, और अब जो है इंद्र देवता भी जो है बरसने लगे हैं, तो अब ज्यादा देरी नहीं करते हुए हम लोग निकलते हैं घर की तरफ, नहीं तो अच्छा खासा भीग जाएंगे हम लोग। तो हम लोग चल रहे हैं घर और क्रियांश को सब ढक दिए थे, फिर क्रियांश हटा लिया और यहाँ से नजारा देख सकते हैं काफी अच्छा है। रुक जाना चाहिए था आपको, हमें जल भरना था इसलिए स्नान करना पड़ा, स्नान करके ही जल भरा जाता है, तो जल भर लिए अब चलते हैं फटाफट। और कितना अच्छा मौसम था, धूप था हल्का हल्का और तुरंत बारिश हो गई, अभी ऐसा ही कुछ हो रहा है यहाँ पे। 2 hours later ये क्या जैसे ही कैमरा ऑन होता है ऐसे करने लगता है। कौन है, बिल्ली आई नीचे, उधर बनाई है उधर बिल्ली गई, बिल्ली वहाँ पर अपना बोरा में बैठ गई वो। ओए यहाँ है बिल्ली, ओए 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 क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, पंगे पंगे चुंगे कौन है, बिल्ली बिल्ली बिल्ली। A few moments later. जय जय क्रियांश, जय जय खुदिया दिखेगा लो, जय जय लो 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 बुझा दिया क्या बुझा दिया गंदा लड़का बदमाश है। अरे जय कर रहे हो, जय कर रहे हो, एक के बारे कर दो, जय करो, देखो मैं भी कर रही हूँ, जय करो, जय 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 करिए, जय करिए, जय दे, इसको झुला दो, झुला दो तो इसे से झुला झुला, जोर से मत झुलाना बेटा, धीरे से कपड़ा खींच लेगा, उठा के लिए भाग गए, अरे अरे कहां जा रहे हो, लगे कहां कहां ले जा रहे हो, क्रियांश क्या, क्रियांश ए क्रियांश क्रियांश उठा के अपने घर लेके चलना है, ले जाएगा भाई, अब टेबल ही उठा के ले, अरे अरे सोचा थी कमोस उठ पा, ए कान्हा क्या कर रहा है, ये लेगा क्या लेगा, चलो 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 अब चलो 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 लड्डू गोपाल को बाय, आएंगे बाद में मिलने आपसे, बाय बाय, किसको क्या कर रहा है लड्डू गोपाल को, बाय। 3 hours later. तो अभी बज रहे थी रात के 10 और हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए, तो जा करके सोते हैं क्योंकि सुबह सुबह उठना भी है, तो हम लोग जो है 3 बजे करीब उठ जाएंगे और 4 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, और 4 बजे से लगभग हम लोगों को 2 से 2.5 घंटा लग जाएगा क्योंकि हम लोग पैदल जा करके जो है जल चढ़ाना है, 8 से 10 किलोमीटर का रास्ता है, तो सुबह सुबह उठेंगे तो चलते हैं, अभी सोते हैं, मिलते हैं आप लोगों से सुबह। The next day. तो सभी लोग सुबह सुबह उठ गए जी, सुबह सुबह तो हम लोग 3:30 बजे ही उठ गए थे, लेकिन सभी को नहाते हुए पूजा करते हुए तैयार होते हुए लगभग 1.5 घंटा लग गया, तो 5 बजे एग्जैक्टली हम लोग निकल रहे हैं मरवा मंदिर की तरफ, तो हम लोग चलते हैं मंदिर, और क्रियांश भी एकदम तैयार हो गया है और यह भी बहुत एक्साइटेड है मंदिर जाने के लिए, तो हम लोग यात्रा है, तो हम लोग यहाँ से पैदल चलेंगे लगभग 8.5 किलोमीटर के करीब का डिस्टेंस है, तो चलते हैं, चलना है तो भी पैदल चलेगा क्या, गोदी में जाएगा इसको क्या, बाय कर दो सबको, बोलो मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। तो हम लोग जो है चलते चलते पहुंच गए इस हनुमान मंदिर के पास जो कि बभनगामा गांव में है, और हम लोग अपने गांव से जो है लगता है लगभग 2.5-3 किलोमीटर चल चुके हैं, 3 किलोमीटर तो अब चलते हैं जी, और मुश्किल से 5.5 किलोमीटर है, सो गया गोदी में, और क्रियांश चलते चलते सो भी गया है, क्रियांश अपनी मौसी के गोद में सो गया, चलो ले लेते हैं इसको। तो हम लोग आ गए हैं जी सोनवर्षा गांव में, और सोनवर्षा गांव में एक मंदिर है बरगद के पेड़ के नीचे, हम लोग वहीं पर, बरगद पीपल दोनों है इसमें, पीपल तो दिख रहा है बरगद नहीं पता, हमको बरगद ही लगा था, वैसे पीपल है ये, बरगद है ही नहीं, तो हम लोग बैठे हुए हैं इस पेड़ के नीचे और थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, लगभग आधा डिस्टेंस हम लोग ट्रेवल कर चुके हैं,
एक घंटा लगा यहाँ तक आने में, और उसके बाद जो है एक घंटे का और रास्ता बचा हुआ है यहाँ से, तो चलते हैं। हम लोगों का जो है चलने का आदत थोड़ा खत्म हो गया है। पहले मुझे ध्यान है बड़ी बड़ी पहाड़ियों पर चल जाते थे हम आराम से और मुझको कोई दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन जब से क्रियांश आया है तब से मुझे लगता है कि हाथ में बच्चा है मैं ज्यादा चल नहीं सकता। तो यह जो थिंकिंग मेरे दिमाग में एक घर कर गया है जो कि बिल्कुल गलत है, तो इस वजह से जो है ज्यादा ट्रेवल नहीं करता। तो लेकिन है कि क्रियांश को ज्यादा हम नहीं पकड़े हैं, ज्यादातर यही गोद में लिए और कुछ ही दूर हम लिए थे उसको गोद में। बात है यहाँ पे 2-4-5 आदमी है तो थोड़ा शेयर हो जाता है वो, नहीं तो अकेले लेकर के उतना किलोमीटर चलना तो शायद हो सकता है कि शायद नहीं चल पाते हम लोग। तो उसको लेके हम आते भी नहीं ना, तो सब बोला कि कहीं घूमने जाएगी तो साथ में रहेगा। अभी तो ऐसा करते हैं जी, थोड़ा देर अब आराम करते हैं, 1-2 मिनट ज्यादा आराम नहीं करेंगे वरना दिक्कत हो जाएगी आगे, धूप निकल आएगी। उधर बैठे हुए हैं क्रियांश की मौसी और क्रियांश की नानी, क्रियांश सोया हुआ है अभी तक मजे में, तो इसके बाद जो है चलते हैं अब हम लोग, ज्यादा देर चल चलो।